पल्लवी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। मैं हूँ पल्लवी। तो आज मैं लेकर आई हूँ पनीर बॉल रेसिपी। तो चलिए देखेंगे इसको कैसे बनाते हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, मैं इसको आपको एक काट के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, पनीर के अंदर स्टफिंग कितनी मस्त लगती है, और ये बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो चलिए देखेंगे इसको कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने पनीर को ऐसे स्मैश करके मिक्सर में डाला है। अब मैं इसको एक बार चला के लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको मिक्सर में 3 से 4 बार बारीक पीस के लिया है। अगर ये बहुत ही ड्राई हो रहा है तो आप इसमें एक एक टीस्पून पानी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, हमको इसका मिक्सर ऐसा होना चाहिए। तो ये देखिए, आप आसानी से इसका ऐसे गोला बना सकते हैं। तो ये देखिए, तो चलिए अभी हम अगले प्रोसेस के लिए तैयार हैं। सबसे पहले मैं एक बाउल में एक पनीर सभी निकाल के लेती हूँ। तो मैंने सभी निकाल के लिया है। अब मैं इसमें स्वादानुसार नमक डालूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स करके लूंगी। तो ये देखिए, इसको हमको अच्छी तरह मिक्स करके लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसकी ऐसे एक एक बॉल्स बना के लेंगे। तो ऐसे ही आप छोटे बड़े साइज में बॉल्स बना के लेंगे। तो मैं ये सभी बॉल्स बना के लेती हूँ। तो आप आसानी से ऐसे बॉल्स बना सकते हैं। ये बहुत ही झट से और आसानी से बन सकते हैं। अगर आपको बॉल्स नहीं बनाने हैं तो आप पनीर के क्यूब्स भी ऐसे ही कट करके रख सकते हैं, लेकिन बच्चों को ये बॉल्स बहुत ही पसंद आते हैं, इसलिए मैं पनीर बॉल्स की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपको इसमें मिर्च भी डालना है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये बच्चे खा रहे हैं इसलिए मैंने इसमें मिर्च नहीं डाला है। तो चलिए सभी बॉल्स में बना के लेती हूँ। तो चलिए बॉल्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर का बैटर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं लूंगी चना दाल का आटा। इधर मैं 3 से 4 चम्मच चना दाल का आटा लूंगी, इसको बेसन भी बोलते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, ये भी आप स्वादानुसार ले सकते हैं, हल्दी पाउडर। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। अब मैं इस बैटर को अच्छी तरह मिक्स करके लूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक गाढ़ा मिक्सचर बना के लेती हूँ। हमको एकदम से इसमें पानी नहीं डालना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो सबसे पहले मैं इसका एक गाढ़ा पेस्ट बना के लेती हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच विनेगर और इसको अच्छी तरह मैं मिक्स करके लेती हूँ। तो हमारा बैटर ऐसे होना चाहिए। तो चलिए अब हम पनीर बॉल्स तल के लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ये पनीर के बॉल्स डालेंगे और इसको अच्छी तरह डीप करके इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए फ्राई करेंगे। मैंने कढ़ाई में तेल डाल के गर्म होने को रखा है। तो चलिए तलेंगे। तो ये देखिए, तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। हमको गैस की फ्लेम लो ही रखनी है और हमको ये बहुत सावधानी से हमको कढ़ाई में छोड़ना है। तो ये देखिए, हमको ऐसे सावधानी से इसको कढ़ाई में छोड़ना है। तो पहले हम एक बॉल तल के लेते हैं। तो ये देखिए, इतनी मस्त तरीके से ये फूल चुका है। तो हमको लो फ्लेम पे ही इसको तल के लेना है। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं।
तो ये देखिए कितनी मस्त तरीके से तल चुका है। तो ये देखिए हमारा बॉल्स रेडी है। तो चलिए मैं ऐसे ही सभी तल के लेती हूँ। चलिए फटाफट से इसमें डाल के लेते हैं। ऐसे ही हमको सभी डाल के लेना है और गर्मा गर्म ही परोसना है। और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब मैं इसको सर्व करती हूँ। तो ये देखिए हमारे गर्मा गर्म पनीर बॉल्स रेडी हो चुके हैं। तो आप इसको हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझको जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।